स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूवा सिविल इंजीनियर पे। फाइनली इस नोटिस को देखने के बाद आप लोगों के चेहरे पे जरूर खुशी आने वाली है, और इसीलिए आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट सबसे पहले ही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें सबसे पहले, और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनके तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो लोग भी इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरेंगे, ठीक है। और भरने के लिए प्रेरित करना है उनको भी, ठीक है। तो फाइनली जिसके बारे में मैंने आपको कहा भी था 2 दिन पहले आके लाइव में कि आप लोगों का वैकेंसी आ रहा है 19 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में, और आज फाइनली 19 तारीख को ही वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अमीन का भी वैकेंसी आया है, बिहार बंदोबस्त पदाधिकारी का भी वैकेंसी आया है, और कानूनगो का भी वैकेंसी आया हुआ है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हमारे YouTube चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, और LRC से रिलेटेड और आगे आने वाले जो आपके जॉब हैं PRDJEE और जितने भी नगर विकास आवास विभाग में जॉब आने वाले हैं उन सभी के बारे में अगर आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अमीन का ही वैकेंसी के बारे में लेते हैं, और देख लो आप लोगों का जो पोस्ट है कितना पोस्ट पे आया है। इस बार आया है 8244 पोस्ट पे, ठीक है। तो इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को कहा था, अब यहाँ पर देखो कास्ट वाइज देख लो आप लोग 1301 अनुसूचित जाति में है, जनजाति में 75 है, 1422 है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको EBC कहते हैं हम लोग, BC में 917 है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 282 है, अनारक्षित के लिए जिसको UR कहते हैं 3525 है, और आर्थिक वर्ग से कमजोर के लिए आपका 722 जिसको EWS के नाम से आप लोग कहते हैं। UR हो गया ये आपका, पिछड़े वर्ग के महिला हो गई है जिसको BC फीमेल के नाम से आप लोग कहते हैं, ये आपका BC हो गया, ये EBC हो गया, अनुसूचित जनजाति है ये, तो ये ST हो गया आपके पास, और ये आपका SC हो गया। तो इतने सारे वैकेंसी आपके आ रहे हैं अमीन के, ठीक है। अब आपका मन में आएगा कि सर कब से फॉर्म भरना है, उसके भी बारे में बताते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करो। सबसे पहले महिलाओं को 35% हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया है, ठीक है। पहला बात तो ये, अगर कोई अगर फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर के जैसे पोता पोती नाता नतनी जो भी है, नाती नतनी, ठीक है, उन सभी को 2% हॉरिजेंटल आरक्षण भी दिया जा रहा है। तो बहुत सारे को कंफ्यूजन था इसको लेके, उसके भी बारे में बता दिए। उसके बाद दिव्यांग जो भी हैं, जैसे फिजिकल हैंडीकैप OH आ गया, उन सभी को 4% हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये सारा आप लोगों को दिमाग में रखना है। उसके बाद देखो क्वालिफिकेशन का बात कहा जाए तो बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है, पहला तो उसको आरक्षण मिलेगा, दूसरा बात बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजेज हैं, तो देखो इसमें सरकारी भी आ गया प्राइवेट भी आ गया, समझ में आया बात को। तो सरकारी का अलग बोल दिया, प्राइवेट के बारे में AICTE के बारे में जब बोल दिया तो समझ जाओ उसमें प्राइवेट आ गया। AICTE से हम लोग भी हैं, लेकिन AICTE से बिहार में बहुत सारे कॉलेजेज भी हैं, समझ में आया बात को, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे मिल्या कॉन्वेंट ऑफ इंस्टीट्यूट जो है वो भी AICTE के ही अंतर्गत आता है, SBTE से है रिलेटेड, और वो SBTE क्या AICTE से रिलेटेड है, तो वो भी कॉलेजेज आ गए, मतलब आपका प्राइवेट भी इसमें आ गया है, समझ में आया बात को। और मैंने कहा भी था आप सभी को 18 तारीख का वेट कर लो, 18 तारीख का मीटिंग के बाद ही कुछ फैसला होने वाला है आप सभी का। और उसके बाद जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं सिविल इंजीनियर, अब तो अमानत वाला गया, मैंने कहा था ना उसका हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है, परेशान नहीं होना है आप सभी को। जो मुद्दा था मैंने आप सभी को बताया किस मुद्दा को लेके हम लोगों को बढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे आज, ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो 40% हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, जो भी बिहार से किए हुए हैं पॉलिटेक्निक से किए हुए हैं उनको दिया जा रहा है। तो देखो विशेष सर्वेक्षण अमीन का पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा होना चाहिए, 31,000 मानदेय है, तो पता है 24,202 रुपया के लगभग मिलता है और 6,000 रुपया के लगभग अकाउंट में आता है, ठीक है, ये सभी चीजों मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और जब आपका चयन हो जाएगा तो उस समय आपका लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, लैपटॉप मोबाइल और इंटरनेट होना चाहिए,
ठीक है, उसके बाद आपको 4,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। एक चीज यहाँ पर दिक्कत आ गया जिसका मुझे शंका था, और वही बात मैंने कहा था ना कि 10% भी चांस रहा तो आप लोगों का लक खराब है, और कल के मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि आप लोगों का 1/1/2022 ही रहने वाला है, ठीक है, और डेट एज जो है आप लोगों का क्रिटेरिया नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है, ये आप लोग क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद कितना मैक्सिमम आयु रहना चाहिए वो आप लोग देख लो। नियोजन की अवधि देखो यहाँ लिखा गया है 31 मार्च 2024 तक, लेकिन 100% कहता हूँ कि इस समय तक खत्म होने वाला नहीं है, आप सभी को पता है, ठीक है, और मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको लेके टेंशन में है कि सर इसमें जाएंगे 2024 के बाद भगा देगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चे। हमारे जो सीनियर सर लोग हैं जिनसे मुझे अच्छे तरीके से पहचान है, बातचीत होता है, ठीक है, मैंने उनके साथ रहा भी हूँ, उन लोगों ने बताया है मुझे कि आप लोग ज्वाइनिंग करो, इसमें जल्दी भगाने वाली कोई बात नहीं है। मैं लोग भी इतना दिनों से काम कर रहा हूँ, अभी तक किसी को नहीं भगाया जा रहा है, ठीक है, और आगे ऐसा कोई सूचना भी नहीं है, तो इसलिए चिंता पूर्वक आप लोग फॉर्म भरो और जॉब करो, ठीक है। उसके बाद देखो 8244 सीट है, तो समझ जाओ 8200 गुना, अगर हम लोग बात करें तो 8200 गुना 44 गुना 3 कर दो, ठीक है, तो 4 × 12 = 13 हो गया, यहाँ पर 2 × 3 = 6 = 7 और 8 × 3 = 24, तो 24,732 बच्चे को बुलाया जाएगा काउंसलिंग में, ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर का आदत हो गया ना 6 साल से, ठीक है, आप सभी को पता है, इसलिए कैलकुलेटर का आदत हो गया, तो देख लेना, ठीक है, तो जहां तक मुझे लग रहा है सही है, 24,732 बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक है, बच्चे को बुलाया जाएगा और बच्चे को बुलाने के बाद ही काउंसलिंग पहले होगा, उसके बाद ही आगे काम किया जाएगा। तो अब देखो सरकार आ गई है अपने सही तरीके पे, ठीक है, कि कैसे जल्दी से जॉब दिलवाना है। चयन प्रक्रिया वही है, आप सभी को पता है कि कैसे होने वाला है, 90% के आधार पे होगा आपका डिप्लोमा का और 10% टेंथ का होना चाहिए, ये सभी चीजों में बता चुका हूँ। फॉर्म कब तक भराएगा, कब से कब तक, तो ये है आपका डेट 21 अक्टूबर से 16 नवंबर तक भराने वाला है, नोट कर लो, बहुत ही अच्छे तरीके से भरना, फिर से मैं बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से भरना, फोटो अच्छा वाला देना, ऐसा नहीं कि बाद में दिक्कत हो, और उसके बाद देखो फाइनल पिन निकाल के रख लेना भविष्य में, क्योंकि देखो वैकेंसी है बहुत सालों तक लटक जाती है, जैसे BTSC देख रहे हो ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है कि ये वैकेंसी नहीं लटकेगी, फिर भी सरकार ने भी कह दिया है कि फाइनल पिन निकाल के रख लेना है आप लोगों को, ठीक है, ये उसके बाद देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही लिंक आएगा मैं फिर से बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, फोटो पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो एंड सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे होगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, इन सभी के चीजों के बारे में मैं फिर से बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी है आपके पास बंदोबस्त पदाधिकारी का, जिसका 355 पद आए हैं, 57, 4, 71, 37, 13, 145 और 28, ठीक है, इसमें देखो सिविल इंजीनियर में स्नातक होना चाहिए, मतलब डिग्री होना चाहिए, प्लस 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और आप लोग सैलरी भी देख ही रहे हो कि कितना मिल रहा है, ठीक है, और उसका भी एज क्रिटेरिया 1/1/2022 दिया गया है, 21 वर्ष, यहाँ पर देखो कितना दिया गया है बाबू, यहाँ पर दिया गया है 18 वर्ष, तो ये सभी चीजों पे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कानूनगो का, कानूनगो में भी देख लो 758 पद आए हैं, इसमें डिप्लोमा प्लस 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आप लोगों का, और इसमें भी 18 वर्ष ही आप लोगों का न्यूनतम आयु है, तो इन सभी चीजों पे ध्यान देना है, और सभी का जो डेट है वो 21 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक में ही है, ठीक है, सॉरी 21 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक है, 11:59 पे। इसके बाद हम लोग पूरा डिटेल्स में इन सभी को चीजों को बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अभी न्यूज आया है तो सभी बच्चों तक शेयर हो जाए पहले, तब हम लोग डिटेल्स में इस पे एक एक करके बात करेंगे और आप लोगों के बीच आएंगे फिर से। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा देख के, आज सवेरे सवेरे जब उठे होगे तो कुछ लगा होगा, कुछ तो अच्छा हुआ है आज, ठीक है, फाइनली, ठीक है, बहुत परेशान किया है आप लोगों को,
तो फल भी अच्छा आता है। कहा जाता है ना, शब्द का फल मीठा होता है, तो वही बात है यहाँ पर बाबू। ठीक है, शब्द का फल जरूर मीठा होगा आप लोगों के लिए। आप लोग जल्द से जल्द जॉब करोगे और अपने घर और परिवार को आगे संभालोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।